हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का मैं हिना नथानी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेरी गुड इवनिंग शुभम, दिशा, देबाशीष, वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम इन द सेशन यू ऑल। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ICAR में आपका डिजीज ऑफ राइस, राइस की कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस के बारे में। जल्दी से हमारा आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह बच्चों, अगर अभी तक आपने एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि बेटा, जब आप अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो एक्चुअली इसमें आपको क्या मिलता है, तो इसमें आपको कैटेगरीज में जाकर के पहले एग्रीकल्चर चूज़ करना है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो। जब आप बेटा एग्रीकल्चर चूज़ करोगे तो उसके बाद आपको ये आइकन पूरा ओपन होगा, जिसमें आपको डेली क्विजेस पर जाना है और डेली क्विजेस पर जाकर के आपको वहाँ पर क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस अटेंड करना है। क्योंकि आपको पता है क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश हमारा सभी पेपरों में आता है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है और हमारी स्पीड उसमें स्लो आती है, तो इसलिए हमें अपनी स्पीड तो बूस्टअप करनी पड़ेगी। तो बेटा उसके लिए आपको डेली बहुत सारी क्विज, मतलब इसमें बहुत सारी क्विजेज हैं, वो क्विजेज आपको अटेंड करनी है। अब इन क्विजेज में आपको ऑल इंडिया रैंक भी अपना पता चलेगा कि भाई मेरा ऑल इंडिया रैंक क्या है, ठीक है, मैं कितने स्टूडेंट मुझसे आगे हैं, कितने स्टूडेंट मुझसे पीछे हैं, मैं कौन से नंबर पे हूँ, ठीक है, मैंने कितने क्वेश्चन कितने टाइम में सही कर सकता हूँ, कितने क्वेश्चन मेरे सही हो सकते हैं, IBPS FO का अगर मुझे पेपर देना है तो मुझे कितने, किस हिसाब से मुझे अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी, और बाकी एग्जाम्स में भी क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो पूछता ही है बेटा, ठीक है। तो बेसिकली आपका पूरे उस आपने आपके एग्जामिनेशन के लिए एक अच्छी जो आपकी स्पीड है वो इस पोर्शन से आप बना सकते हो, ठीक है बेटा। दूसरी बात, आपको इसमें कुछ कॉइन्स मिलते हैं, जिन कॉइन्स को आप यूज़ कर सकते हो अपने बैचेस में इनरोल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे बैच के प्राइस और कम हो जाते हैं बेटा, ठीक है। इसके अलावा कुछ फ्री मॉक्स भी आपको मिलते हैं एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, तो उसका फ़ायदा भी आपको तभी होगा जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे। दूसरा, इसमें आपको कुछ फ्री PDFs भी कभी कभी प्रोवाइड करे जाते हैं, तो वो भी आपको तभी मिलेंगे जब आपके पास ऐप होगा, ठीक है। तो बेटा इसलिए फटाफट से ऐप को डाउनलोड कर लो, ताकि आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकें जो आपकी पढ़ाई में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकें, ठीक है। तो वेरी गुड इवनिंग अजय जयसवाल, अजय साइंस बाई, अच्छा एग्री साइंस बाई विवेक, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो जल्दी से हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। वेरी गुड इवनिंग, क्या नाम है, रीना पाल, हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलिए तो जल्दी से हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, हेलो आयुष। तो सबसे पहले तो हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आपका इन्फेक्शन, दैट इज़ फुट रॉट इन्फेक्शन। बेटा फुट रॉट इन्फेक्शन राइस में, इसको बेकने डिजीज़ भी बोला जाता है, ठीक है। कई बार बेटा आपसे जो इन्फेक्शन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया फुट रॉट, ठीक है, बेकने डिजीज़ आपको नहीं बताया, उसने एग्जाम में पूछ लिया बेकने डिजीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बेकने डिजीज़ भी इसी को बोला जाता है, फुट रॉट को ही बोला जाता है बेटा, ठीक है। अब ये जो डिज़ीज़ है राइस में होती है, ठीक है, और इस डिज़ीज़ के लिए जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है आपका फ्यूजेरियम, कौन सा है बेटा, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मिस। इसका जो सेक्सुअल स्टेज होता है बेटा, दैट इज ज़िब्रेला फ्यूजिकोराई, क्या है, ज़िब्रेला फ्यूजिकोराई, ये क्या है, ये भी एक फंगस होता है बेटा, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग नितिन गुप्ता, वेलकम इन द सेशन बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो जिब्रेलिन है, ठीक है, ज़िब्रेला फ्यूजिकोराई जो है, ये आपका सेक्सुअल स्टेज में बनता है, और जनरली फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मिस यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करता है। तो बेटा ये जो जिब्रेलिन है, मैंने कई बार क्रोफिजियोलॉजी की क्लास जो बच्चे मेरी देखते हैं उन्हें पता भी होगा, इस जिब्रेलिन हार्मोन को आइसोलेट करा गया था, कुरशोवा ने सबसे पहली बार इसके बारे में बताया था, ठीक है। इसके बाद सुनानी और आपके एक दो साइंटिस्ट और थे, उन्होंने इसको आइसोलेट किया था जिबरलिन हार्मोन को, ठीक है बेटा। तो ये आपका ज़िब्रेला फ्यूजिकोराई से ही जिबरलिन हार्मोन आइसोलेट हुआ है, और ये जिबरलिन हार्मोन प्लांट के लिए, किस प्लांट में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, इलोंगेशन के लिए, उसको लंबा करता है, ठीक है, उसमें इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, येस डेफिनेटली, ऑल्सो नोन एज फुलिश सीडलिंग डिजीज़, बिल्कुल बोला जाता है बेटा। वेरी गुड इवनिंग दामिनी, दिशा ने बताया कुरुशोवा, बिल्कुल सही बताया दिशा बेटा। चलो अब आगे चलते हैं बेटा, तो अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की, कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं बच्चों, ठीक है। तो सिम्टम्स की बात करें बेटा, तो यहाँ पर बेसिकली सीडलिंग्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है सबसे पहले। तो सीडलिंग कैसी होंगी, टॉलर होंगी, लेकिन देखो इन्फेक्टेड सीडलिंग इन नर्सरी आर लीन एंड टैंकी एंड लैंकी मच टॉलर एंड डाई आफ्टर सम टाइम। बेटा क्या होता है,
इसमें जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, नॉर्मल प्लांट्स की जितनी लेंथ होती है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। जितने भी हमारे सीडलिंग्स एक्चुअली राइस के, वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। अब बेटा जब वो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली उसका वेट भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और जब उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, वो लंबा हो जाएगा, तो वो लटक जाएगा, फिर वो लटक जाएगा नीचे की तरफ। और जब वो लटक जाएगा तो अल्टीमेटली टूट जाएगा, तो इसलिए वो लीन हो जाता है, यानी कि लटक जाता है। ऐसा रहेगा कुछ टाइम बाद, इस तरीके से हो जाएगा, नीचे लटक जाएगा, ठीक है, टूट के नीचे गिर जाएगा फिर। तो बेसिकली इस तरीके का सबसे पहला सिम्टम हमें दिखाई देता है कि नॉर्मल प्लांट के कंपैरिजन में इन्फेक्टेड प्लांट की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, वो चौलर दिखाई देता है, ठीक है बेटा। चलो आगे, तो मेन फील्ड में इसके और क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं बेटा, तो अफेक्टेड प्लांट जो होगा दैट हैव टॉल लेंकी टिलर्स विद द लॉन्गर इंटरनोड एंड एरियल एडवेंटेटिव रूट फ्रॉम द नोड्स अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पर जनरली अगर आप देखोगे बेटा, तो इनकी रूट्स जो होती हैं वो नीचे की तरफ होती हैं, ठीक है, इनकी रूट्स जो होती हैं वो ग्राउंड से नीचे होती हैं, लेकिन यहाँ पर एडवेंटेटिव रूट्स जो इनकी होती हैं, क्योंकि क्रॉप्स में ज़्यादातर एडवेंटेटिव रूट ही देखने को मिलती है, टैप रूट तो हम देखते नहीं, टैप रूट तो हमें बड़े बड़े प्लांट्स में देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पर बेटा जो इनकी एडवेंटेटिव रूट्स होती हैं वो बेसिकली ग्राउंड लेवल से बाहर की तरफ झाँक झाँक कर निकल रही होती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ग्राउंड लेवल से ऊपर भी इनकी रूट्स निकल करके आती हैं और प्लांट्स बिल्कुल लंबे होते हैं नॉर्मल प्लांट्स के कंपैरिजन में, ठीक है बेटा। दूसरा, यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जो रूट्स होती है वो झाड़ की तरह बन जाएगी, बिल्कुल फाइब्रस हो जाएगी और बुशी बुशी हो जाएगी, जैसे झाड़ होता है ना, बिल्कुल झाड़, तो काइंड ऑफ कुछ वैसी ही बन जाएगी, ठीक है। तो झाड़ या फिर बुश की तरह बन जाती है रूट। और दूसरा बेटा, प्लांट्स जो हैं बेसिकली प्रोडक्शन से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, मतलब जिससे पहले वो आपको ग्रेन्स प्रोडक्शन करके दें उससे पहले ही प्लांट ख़त्म हो जाएंगे, इनमें ईयर हेड फॉर्मेशन नहीं होता। और अगर प्लांट कुछ टाइम तक रह भी गए बेटा, तो वो स्टराइल हो जाते हैं, यानी कि वो किसी भी तरीके का प्रोडक्शन हमें नहीं दे पाते हैं, दोज विल कम्प्लीटली स्टराइल। क्या हो जाएंगे बेटा, वो कम्प्लीटली स्टराइल नेचर के हो जाएंगे, यानी कि मेल और फीमेल आपस में फ्यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, स्टराइल हो जाएंगे। दूसरा, व्हेन द कल्म इज स्प्लिट ओपन वाइट माइसीलियल ग्रोथ कैन बी सीन। अब बेटा इसको हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं, तो इसमें क्या होता है बेटा, वाइट माइसीलियल ग्रोथ हमें दिखाई देती है। तो ये जो फंगस है फुलिश सीडलिंग डिजीज का, जिब्रेला फ्यूसिकोराई या फिर फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मिस जिसको हम बोल रहे हैं, ये क्या करता है बेटा, वाइट कलर का माइसीलियम शो करता है। क्या करता है बेटा, वाइट कलर का माइसीलियम शो करता है, यहाँ पर क्या करेगा, व्हाइट कलर का माइसीलियम शो करता है। और ये व्हाइट कलर का माइसीलियम यहाँ पर छोटे छोटे स्पोर्स बनाता है और फिर उसके बाद विंड के थ्रू, बहुत हल्का होता है तो विंड के थ्रू इधर से उधर, उधर से उधर स्प्रेड करता रहता है बच्चों, ठीक है, समझ गए इस बात को। तो बेटा यहाँ पर जनरली क्या क्या आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं बेटा, तो बिल्कुल रूट बिल्कुल बुशी हो जाती है, प्लांट नॉर्मल प्लांट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से वो टिल्ट हो जाता है, टूट करके नीचे गिर जाता है। इसके अलावा बच्चों और हम इसमें क्या इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं, तो इसके अलावा बेसिकली इसमें जो आपके वाइट कलर का माइसीलियम प्रोड्यूस होता है, वाइट कलर के स्पोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं बेटा, और ये स्पोर्स यहाँ पर एक से दूसरे में स्प्रेड होते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पर इन्फेक्शन आपका सीवियर हो जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। दूसरी बात बेटा, यहाँ पर क्या होता है, स्पाइकलेट का फॉर्मेशन होता है, ईयर हेड का भी फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों, ठीक है। दूसरी बात अगर यहाँ पर हम देखें बेटा, तो कल्म की स्प्लिटिंग हो जाती है और पर्टिकुलर प्लांट जो है वो स्टराइल हो जाएगा। तो ये जनरली सिम्टम हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो कुछ इस तरीके से लंबा सा हो जाएगा, नॉर्मल प्लांट छोटा है और ये वाला प्लांट लंबा हो जाएगा, जो इन्फेक्टेड प्लांट है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये नॉर्मल प्लांट आपका छोटा रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा जनरली ये दिखाई देता है, ठीक है बेटा। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें बेटा, तो ये फंगस जो है ये अपने मैक्रोकोनिडिया भी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है बेटा, मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया भी प्रोड्यूस करता है। अब कोनिडिया क्या होते हैं, काइंड ऑफ इसके स्पोरुलस फॉर्म आप बोल सकते हो, ठीक है, स्पोरुलस फॉर्म बोल सकते हो, कोनिडिया इसके स्पोरुलस फॉर्म होते हैं जनरली, ठीक है। तो मैक्रो और माइक्रोकोनिडिया भी प्रोड्यूस करता है। और इसके अलावा बेटा, इसके जो माइक्रोकोनिडिया होते हैं बेसिकली वो सिंगल होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल्ड होते हैं, और जिनको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, सिंगल सेल्ड एंड ओवल होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं और ओवल होते हैं, मतलब उनमें सिंगल सिंगल सेल्स होते हैं, ठीक है। टॉपिक क्या है मैम, मैं नोट्स बना रहा हूँ। अच्छा टॉपिक है बेटा डिजीज़ ऑफ राइस, ठीक है, डिजीज़ ऑफ राइस, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी डिजीज़ ऑफ राइस। हाँ बिल्कुल सही बोला है दिशा ने, ठीक है बेटा, डिजीज़ ऑफ राइस के बारे में पढ़ रहे हो आप। अब यहाँ पर मैक्रोकोनिडिया की बात करें बेटा, तो मैक्रोकोनिडिया का सिकल शेप होता है थोड़ा सा,
काइंड ऑफ कुछ इस टाइप का शेप होता है, ठीक है। मैक्रोकोनिडिया का शेप कुछ इस टाइप का होता है और इसमें ज़्यादा सेल्स होते हैं, लगभग ऑलमोस्ट 4 से 5 या 5 से 6 सेल्स होते हैं इनमें, ठीक है। तो बेटा अगर आप माइक्रोकोनिडिया की बात करोगे, माइक्रो मीन्स बहुत छोटे, तो वो सिंगल सेल्ड होते हैं। मैक्रोकोनिडिया की बात करोगे बेटा तो उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जनरली, और ये क्या होते हैं, बेसिकली शिकल शेप्ड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? शिकल शेप्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें फंगस की, तो ये फंगस क्या करते हैं, फाइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। फाइटोटॉक्सिन का क्या मतलब है बेटा? फाइटो मीन्स होता है प्लांट, ठीक है। तो ये बेसिकली प्लांट के अगेंस्ट टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, फ्यूजेरिक एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये आपके प्लांट्स को धीरे 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 अपने टॉक्सिन के थ्रू ख़त्म भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेजरली क्या होता है बेटा कि ये फंगस जो है प्लांट के ऊपर अटैक करेगा, अपने स्पोर्स फॉर्म करेगा, फिर वहाँ पर धीरे 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 अपने टॉक्सिन को रिलीज़ करेगा, और उसके टॉक्सिन की वजह से अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद प्लांट ख़त्म हो जाता है, ठीक है बेटा। ओके चलो, ये तो होगा इसके नॉर्मल सिम्टम्स। अब देखो बच्चा, यहाँ पर आप देख सकते हो इन्फेक्टेड प्लांट ये है और हेल्दी प्लांट ये है। देखो इन्फेक्टेड प्लांट कितना लंबा दिख रहा है और हेल्दी प्लांट कितना छोटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों प्लांट्स में, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों प्लांट्स को देख सकते हो बेटा, इन्फेक्टेड प्लांट भी और हेल्दी प्लांट भी। तो एक आपका बहुत लंबा सा बन रहा है जो इन्फेक्टेड प्लांट है, हेल्दी प्लांट आप देख सकते हो छोटा सा है, ठीक है। तो बेटा ये इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर होता है कि नॉर्मल प्लांट्स के कंपैरिजन में बिल्कुल लंबा होता है। दूसरा बेटा, यहाँ पर ये जल्दी से लीनिंग हो जाती है, गिर जाता है नीचे, वाइट कलर के माइसीरियम शो करता है, जो बेसिकली इजी एयर के थ्रू इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है बेटा। चलो मैनेजमेंट की बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अच्छे और क्लीन सीड यूज़ कर सकते हैं। अब देखो बेटा, सोइंग के टाइम पे आप अच्छी क्वालिटी के सीड अगर यूज़ करो तो उससे आप इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हो। अगर हम सीड जो यूज़ करें वही हमारा बैड क्वालिटी का है, वही वायबल नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, इन्फेक्शन को हम बचा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बचा सकते, इन्फेक्शन होगा ऐसी कंडीशन में, ठीक है। दूसरी बात बेटा, यहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बेसिकली जो इन्फेक्टेड सीड लॉट है वहाँ पर। दूसरा, सीड ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं फंजासाइट यूज़ करके, जैसे थिरम वगैरह फंजासाइट अगर हम यूज़ कर लें, ठीक है। थिरम हो गया, बेनोमाइल हो गया, ये बेसिकली अच्छे सॉल्यूशंस होते हैं। इनको अगर हम क्या करें, बिफोर प्लांटिंग अगर हम सीड को या ये अगर हम ट्रीटमेंट दे देते हैं तो इससे भी बेसिकली आपका जो इन्फेक्शन है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो मैनेजमेंट में आप या तो सीड को फंजासाइट अप्लाई कर दो, वो ज़्यादा बेटर है, क्लीन सीड यूज़ करो, अच्छा सीड यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर है। या फिर बेटा इसी के साथ साथ आप और क्या कर सकते हो, तो जनरली आप यहाँ पर लाइट वेटेड और अच्छे ये सॉल्ट वाटर से आप लाइट वेटेड सीड को ट्रीटमेंट दे सकते हो, ताकि उससे किसी भी तरीके का जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए, वो हट जाए, ठीक है। ये भी जनरली आप यूज़ कर सकते हो। दूसरे इन्फेक्शन पर चलते हैं बेटा। अब हमारा दूसरा इन्फेक्शन है, दैट इज़ ग्रेन डिस्कलरेशन। अब देखो बेटा, ग्रेन डिस्कलरेशन का जो इन्फेक्शन है बेसिकली इसको ट्राइकोगोनिस कॉज करता है जनरली। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्चुअली, ग्रेन डिस्कलरेशन स्पेसिफिक किसी पैथोजन का नहीं है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम रॉट में पढ़ते हैं ना, बेर में, कि बहुत सारे पैथोजन होते हैं, फ्यूजेरियम भी है, ट्राइकोडर्मा भी है, बहुत सारा रॉटिंग होता है। तो ऐसे काइंड ऑफ यहाँ पर भी इस इन्फेक्शन में बहुत सारे पैथोजन्स होते हैं, ठीक है। ट्राइकोकोर्निस हो गया, आपका कर्बुलेरिया हो गया, ठीक है, ये बेसिकली बहुत सारे पैथोजेंस यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो बेटा यहाँ पर अगर हम सिम्टम की बात करें तो कुछ इस तरीके का सिम्टम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बेटा। ग्रेन डिस्कलरेशन में कुछ इस तरीके का सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हो, ये वाले ग्रेन्स, ये ग्रेन्स देख रहे हो आप, इनमें कलर ही बिल्कुल चेंज हो गया है, इनका कलर ही बिल्कुल चेंज हो गया है। तो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड ग्रेन डिस्कलरेशन। हाँ जी, जय हिंद कमलेश यादव, वेलकम इन द सेशन। तो बेटा यहाँ पर जनरली हमें ग्रेन डिस्कलरेशन देखने को मिलता है कि ग्रेन का जो कलर है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है बेटा, ठीक है। दूसरी बात, सिम्टम्स की बात करो तो ग्रेन्स में भी इन्फेक्टेड बाय द वेरियस ऑर्गेनिज्म बिफोर और हार्वेस्टिंग कॉजिंग डिस्कलरेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द वेरीज अकॉर्डिंग टू द सीजन एंड लोकेलिटी। यहाँ पर जनरली क्या होता है बेटा, सिंपल से लैंग्वेज में हम समझेंगे इसको, तो इस इन्फेक्शन में क्या होता है कि एक तो बहुत सारे पैथोजन इसको कॉज करते हैं। अब इन पैथोजन का भी एक सीजन होता है, एक टाइमिंग होता है इन्फेक्शन कॉज करने का। जिस सीजन जिस पैथोजन के लिए सूटेबल है उस टाइम पर वो पैथोजन आ जाएगा और उसके बाद वो अपना इन्फेक्शन कॉज करना
स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे अभी अगर इन केस आपका जैसे अभी आ गया हमारा एक सिंगल पैथोजन आ गया, तो कुछ टाइम उसके लिए गुड कंडीशन है तो उसने इन्फेक्शन स्टार्ट कर दिया, कुछ टाइम बाद दूसरा पैथोजन आ गया उसने इन्फेक्शन स्टार्ट कर दिया, उसके लिए अच्छी कंडीशन है तो उसने इन्फेक्शन स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर बेटा एक तो उसका कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ग्रोइंग कंडीशन कैसी है वहाँ पर, उस कंडीशन में वो सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है इन्फेक्शन, और वहाँ पर फिर फर्दर हमें सीवियर इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है बेटा। ये आपके सिम्टम होते हैं, सबसे पहले ग्रेन्स जो है ग्रेन्स के ऊपर ही इम्पैक्ट डालता है। ये देखो ग्रेन्स खराब हो जाते हैं, और बेटा अगर ग्रेन्स खराब हो गए तो इकोनॉमिक क्वालिटी खराब हो जाती है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक पार्ट ही क्या होता है, ग्रेन्स होता है, वही तो बेचा जाता है। और यार ग्रेन्स खराब हो गया तो ऑलमोस्ट सब चीज़ खराब हो गई, ठीक है बेटा। तो ये सबसे पहला पार्ट होता है हमारा जो देखा जाता है, ठीक है। दूसरा बेटा यहाँ पर बात करते हैं हम अगला, देखो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा तो ये इन्फेक्शन की, तो ये इस इन्फेक्शन में जनरली हमें कुछ स्पॉट्स दिखाई देते हैं बेटा, कुछ स्पॉट्स दिखाई देते हैं। ये स्पॉट्स जनरली ब्लैक या फिर ब्राउन कलर के होंगे, डार्क कलर के होते हैं जनरली, ठीक है। स्पॉट्स बिल्कुल डार्क कलर के देखने को मिलते हैं, ब्लैक कलर के या फिर डार्क ब्राउन कलर के, ऐसे स्पॉट्स हमें देखने को मिलेंगे। और ये स्पॉट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म के होते हैं, जब वो इन्फेक्शन स्टार्ट कर लेता है, जब वो अपने इन्फेक्शन को अच्छे से सीवियरिटी में पहुँचा रहा होता है, तो उस टाइम पर डार्क कलर के पैचेस हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, इसके अलावा बेटा जैसे ये इन्फेक्शन जो है ये बेसिकली ये आपका इंटरनल भी होता है और आउट, ये आपका इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पैथोजन बाहर हो, ये भी हो सकता है कि पैथोजन अंदर हो, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि इंटरनल ही होगा या एक्सटर्नल ही होगा, नहीं। इस इन्फेक्शन में बेसिकली ये इन्फेक्शन आपका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकता है, और किसी भी टाइप का डिस्कलरेशन कॉज कर सकता है। ये भी हो सकता है मे बी कि अंदर ही अंदर से बेसिकली ये क्या करें, अंदर ही अंदर से इन्फेक्शन स्टार्ट करें, ठीक है, अंदर ही अंदर से उससे इन्फेक्शन स्टार्ट किया। और ये भी हो सकता है कि बाहर ही बाहर से वो इन्फेक्शन स्टार्ट करें, ठीक है। कौन सी दवा के प्रयोग करें ये भी बताते चलें बेटा, दोनों चीज़ें बता रही हैं। आई थिंक शायद आपने पहले की डिजीज़ नहीं देखी है, ठीक है, तो पहले पूरा एक बार पूरा लेक्चर देख लो, ठीक है। अब देखो बेटा, तो यहाँ पर बेसिकली बाहर से और अंदर से दोनों जगह से डिस्कलरेशन हो जाता है, और कई बार सिंगल सिंगल भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर के स्पॉट्स ग्रेन्स पर दिखाई देते हैं बेटा। दूसरी बात, यहाँ पर जो डिस्कलरेशन होगा बेटा वो डिस्कलरेशन किस टाइप का होगा, तो यहाँ पर जो डिस्कलरेशन होगा बेटा वो रेड कलर का, येलो कलर का, पिंक, ब्लैक, किसी वो पैथोजन के ऊपर डिपेंड करेगा। जिस टाइप का पैथोजन है उसी टाइप का जनरली यहाँ पर क्या होगा, इन्फेक्शन भी होगा, और उसी रेट में इन्फेक्शन भी होगा, क्योंकि बहुत सारे पैथोजन है जो बेसिकली सीवियर इन्फेक्शन कॉज करते हैं बेटा, ठीक है। और कुछ पैथोजन्स हमारे ऐसे भी होते हैं बेसिकली जो आपके सीवियर इन्फेक्शन कॉज नहीं करते हैं, तो बेटा दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ इन्फेक्शन हमारे सीवियरिटी में रहते हैं तो उस टाइप के स्पॉट्स कॉज करते हैं, कुछ पैथोजन्स हमारे ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे इन्फेक्शन को स्टार्ट करते हैं और फिर उस तरीके से वो स्पॉट्स बनाते जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पर सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिस्कलरेशन में भी रेड, डिस्कलरेशन रेड कलर का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है, ऑरेंज, पिंक, ब्लैक, किसी भी कलर का हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, दिस डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लॉसेस। तो इस डिजीज से बेटा एक तो क्वालिटी तो गिरती ही है क्रॉप की, क्वांटिटी भी गिर जाती है भाई, सीधी सी बात है, जितनी क्रॉप में वो इन्फेक्शन करेगा वो सारी की सारी क्रॉप खराब हो गई। दूसरी बात, उसका इकोनॉमिक पार्ट खराब हो गया तो अब तो कुछ बचा नहीं, तो क्वालिटी भी नहीं रही, क्वांटिटी भी नहीं रही, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर ख़राब हो जाती हैं। तो बेटा सिम्टम में हमने क्या क्या देखा, एक तो ब्लैक ब्राउन कलर के स्पॉट्स बना देता है जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, दूसरा ये क्या करता है, दूसरा अल्टीमेटली ये प्लांट में जा करके अलग अलग टाइप के स्पॉट्स बनाएगा, तो वो पैथोजन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और डिग्री ऑफ इन्फेक्शन भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों ये डिस्कलरेशन दोनों टाइप का करता है, इंटरनल भी कर सकता है, एक्सटर्नल भी कर सकता है, ऐसा नहीं है स्पेसिफिक नहीं होता, दोनों में से किसी भी टाइप का इन्फेक्शन ही कर सकता है, और किसी लॉसेस करता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, बहुत ज़्यादा ये लॉसेस कॉज करता है। तो बेटा आप यहाँ पर देख सकते हो ये बेसिकली आपका ग्रेन डिस्कलरेशन है, ठीक है। अब देखो बेटा कुछ कंडीशंस होती हैं इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें बेटा तो ह्यूमिड कंडीशन बहुत ज़्यादा बेटर है इसके लिए। दूसरा, ह्यूमिडिटी के साथ साथ क्लाउडी वेदर ड्यूरिंग द हेडिंग स्टेज, तो जब इसकी ग्रोथ हो रही होती है बेटा, अगर उस टाइम पे ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो, ठीक है, जिसके लिए मॉइस्चर बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है बेटा, ठीक है। दूसरी बात, डिजीज साइकिल, अब डिजीज साइकिल की बात करें बेटा
तो डिजीज साइकिल में जनरली क्या होता है, यहाँ पर ये इन्फेक्शन जो है, ये एक तो ये क्या, ये फंगस क्या करता है, अपने छोटे छोटे स्पोर्ट्स बनाता है, अपने छोटे छोटे कोनिडिया बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? कोनिडिया बनाएगा। अब ये कोनिडिया क्या होते हैं? विंगी होते हैं। विंगी मतलब बहुत हल्के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, कहीं से इधर से उधर भाग जाते हैं, कभी भी भाग जाते हैं, ठीक है। तो बेटा जनरली ये डिजीज़ जो है विंड के थ्रू स्प्रेड हो जाती है, तो इसके एयरबॉर्न कोनिडिया भी इसको बोला जाता है। इसके कोनिडिया कैसे होते हैं? एयरबॉर्न कोनिडिया होते हैं। एयरबॉर्न कोनिडिया का क्या मतलब है बेटा? एयरबॉर्न कोनिडिया का मतलब ये है कि वो एयर के थ्रू कहीं भी कितना भी दूर स्प्रेड कर जाते हैं, ठीक है बेटा। दूसरी बात, ये सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों के फॉर्म में सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों के फॉर्म में, मतलब जब ग्रेन्स आपके प्लांट्स में हैं तब भी वो सर्वाइव कर लेते हैं, और जब ग्रेन्स नीचे गिर गए हैं, वो ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं, तो तब भी वो उनमें सर्वाइव कर लेते हैं। तो बेसिकली फंगस सर्वाइव एज अ पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट इन द इन्फेक्टेड ग्रेन प्लांट डेब्रिस एंड ऑल्सो द अदर प्लांट डेब्रिस। तो बेटा ये फंगस जनरली ऐसा होता है कि जब जब प्लांट लिविंग है, जब प्लांट ऑलरेडी लिविंग है, उस टाइम पे जब ये ग्रेन्स पे अटैक करता है तो तब भी ये इजीली सर्वाइव कर लेता है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब प्लांट की डेथ हो जाती है, तो एज अ सेप्रोफाइट तब ये उसके डेब्रीज में भी सर्वाइव करता है। तो ये बड़ा ख़तरनाक सा फंगस होता है। दोनों टाइम पे जनरली इन्फेक्शन कॉज करता है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो डेड है, दोनों टाइम पे ये इन्फेक्शन कॉज करने को हमेशा रेडी रहता है। और नॉट ओनली द राइस क्रॉप, किसी भी क्रॉप के डेब्रीज में, ठीक है, किसी भी क्रॉप के क्रॉप रेजिड्यू में ये सर्वाइव करता है। ये वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेता है और जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है बेटा। चले आगे, चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब बात करते हैं बेटा इसके मैनेजमेंट की। तो इसका मैनेजमेंट क्या होगा, जब ये इन्फेक्शन होगा तो हम इसको क्योर कैसे करेंगे? तो बेटा इसको क्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली इसके लिए एक तो सबसे पहली चीज़ हम ट्रैप यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम यहाँ पर कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी बेटर, ठीक है, अगर हम मैनकोजेब या फिर कार्बेंडाजिम अप्लाई कर दें। और दूसरा बेटा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मॉइस्चर से अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं, ठीक है, मॉइस्चर से हम अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमें 13-14% मॉइस्चर में अपनी क्रॉप को रखना चाहिए, इससे ज़्यादा मॉइस्चर में हम क्रॉप को स्टोर नहीं करेंगे। जब भी आपको क्रॉप को स्टोर करना है तो बेसिकली 13-14 के बीच का जो टेम्परेचर है, दैट विल बी सूटेबल टू जस्ट रिड्यूस द इन्फेक्शन और टू जस्ट क्योर द क्रॉप बाई द पैथोजन, ठीक है, तो सॉरी टू जस्ट प्रिवेंट द क्रॉप बाई द पैथोजन। तो पैथोजन से अगर क्रॉप को प्रिवेंट करना है तो हम उसको स्टोरेज टाइम पीरियड में मॉइस्चर से बचा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया हमारा ग्रेन डिस्कलरेशन का इन्फेक्शन। अब चलते हैं बेटा आगे फॉल्स स्मट का इन्फेक्शन, जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पेपर में पूछा जाता है वो है बेटा फॉल्स स्मट का इन्फेक्शन। देखो बेटा फॉल्स स्मट का इन्फेक्शन अगर हम देखें बच्चों, तो इस इन्फेक्शन में सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके से वेलवेट अपीयरेंस के स्पोर्स बनते हैं बेटा। कैसे बनते हैं? वेलवेट अपीयरेंस के स्पोर्स बनते हैं, जैसे वेलवेट होता है ना सॉफ्ट सॉफ्ट सा, ऐसे इसके स्पोर्स भी बनते हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है बेटा वो है आपका क्लेविसेप्स ओराइजी। कौन सा है बेटा? क्लेविसेप्स ओराइजी है, ठीक है, राइस का है, क्लेविसेप्स ओराइजी है कॉजल ऑर्गेनिज्म आपका। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं बेटा, किस तरीके के सिम्टम ये यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, तो आप देख के बता सकते हो। ग्रीन कलर के स्पोर्ट्स बना रहा है, जहाँ पर ग्रेन्स होते हैं ग्रेन्स के पास में ही ये जाएगा, इसको भी ग्रेन्स पसंद है, क्यों? क्योंकि भाई ग्रेन्स हमारा न्यूट्रिशियस पार्ट होता है, ग्रेन्स में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, तो इसलिए ये भी क्या करेगा, फटाफट से दौड़ के जाएगा ग्रेन्स के पास जाकर के इन्फेक्शन करेगा। और वहाँ पर बेटा ये क्या करता है, अपने स्पोर्स बना देता है, अपने स्पोर बॉल फॉर्म करता है, ये देख रहे हो, अपने स्पोर बॉल्स ये फॉर्म कर देता है यहाँ पर, ठीक है, और पूरे ये पूरे ग्रेन्स को ख़राब कर देगा। आप देखो यहाँ पर समझना, द फंगस ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल ओवरीज ग्रेन्स इन टू द ग्रीनिश स्पोर बॉल्स ऑफ द वेलवेट अपेयरेंस, ओनली अ फ्यू स्पाइकलेट इन अ पेनिकल आर अफेक्टेड। तो बेटा ये क्या करता है, जो ग्रेन्स वाला पार्ट है वहाँ पर ये बेसिकली अपने स्पोर्स प्रोड्यूस कर लेता है, और इसके स्पोर्स प्रोड्यूस होने के बाद फिर वहाँ पर सिर्फ क्या होते हैं, फंगल स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ग्रेन फॉर्मेशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं बेटा, डिजीज साइकिल की बात कर लेते हैं इसकी। तो इसमें जनरली क्या होता है बेटा, जैसे ग्रासेस हो गया, वाइल्ड राइस स्पीशीज हो गई, वाइल्ड राइस हो गया, तो ये जनरली इसके पैथोजन को एज अ ऑल्टरनेट होस्ट शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, मतलब जब उसको अपना स्पेसिफिक होस्ट नहीं मिला तो तब वो जाकर के उनमें सर्वाइव कर सकता है आराम से। तो बेटा यहाँ पर बेसिकली ये ग्रासेस और वाइल्ड राइस की जो स्पीशीज होती हैं वो इसके लिए एज अ ऑल्टरनेट होस्ट सर्वाइव ऑल्टरनेट होस्ट रहती हैं। दूसरा बच्चा अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये एयरबॉर्न है, क्योंकि मैंने बताया फंगल पैथोजन है, फंगल पैथोजन है तो अगेन वही
स्पोर क्या होगा, लाइट वेटेड होगा. और बेटा जब स्पोर लाइट वेटेड होगा तो अल्टीमेटली होगा क्या, स्पोर अगर लाइट वेटेड होगा तो वो एयर के थ्रू स्प्रेड कर जाएगा एक से दूसरे में और इस तरीके से इन्फेक्शन को फैलाते रहेगा. दूसरी बात, इसमें बेटा बनते हैं आपके एस्कोस्पोर्स, तो मतलब ये एस्कोमाइसिटीज फैमिली में आएगा, पूछा जाता है बेटा कई बार, ध्यान रखना ठीक है. एस्कोस्पोर्स बनाएगा बेटा, और ये एस्कोस्पोर्स बनते किससे, स्केलरोशिया से, ठीक है, स्केलरोशिया से बनेंगे. और सबसे पहला इन्फेक्शन जो है एस्कोस्पोर ही कॉज करते हैं, ठीक है, समझ में आई. तो फॉल्स स्मट का जो इन्फेक्शन है बेटा वो एस्कोस्पोर कॉज करते हैं. और ये एस्कोस्पोर्स बेसिकली क्या करते हैं, ये एस्कोस्पोर्स आपके इन्फेक्शन कॉज करते हैं और फिर उसके बाद ये स्केलरोशिया के फॉर्म में इन्फेक्शन स्केलरोशिया से बेसिकली ये रिलीज होते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जबकि प्राइमरी इन्फेक्शन का. जबकि इसमें बेटा सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्लेमाइडोस्पोर बनते हैं. क्या बनते हैं बेटा, क्लेमाइडोस्पोर. तो ध्यान रखना, प्राइमरी इन्फेक्शन में, फॉल्स स्मट के प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या होता है बेटा, एस्कोस्पोर बनते हैं और ये एस्कोस्पोर स्केलरोशिया से बनते हैं, जबकि सेकेंडरी इन्फेक्शन में बनते हैं बेटा क्लेमाइडोस्पोर. तो अगर आपसे पूछा जाए तो क्लेमाइडोस्पोर, तो भाई क्लेमाइडोस्पोर तो हमेशा फर्स्ट सेकेंड में बनते हैं, फर्स्ट में तो बनते ही नहीं, तो गलत. और अगर आपसे एस्कोस्पोर पूछा जाए सेकेंडरी स्टेज पूछा जाए तो वो भी गलत, क्योंकि एस्कोस्पोर्स बनते हैं फर्स्ट स्टेज में, क्लेमाइडोस्पोर बनते हैं सेकेंड स्टेज में, ठीक है. तो देखो बेटा, क्लेमाइडोस्पोर भी बेसिकली आपके लाइट वेटेड होते हैं एज यूजुअल, जैसे पहले वाले थे वैसे ये भी लाइट वेटेड होते हैं और फिर वहाँ से इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं. तो देखो बच्चे, यहाँ पर आप इन्फेक्शन देख सकते हो, ये देखो ग्रीन और इस तरीके के ये बना लेता है, ठीक है. अब देखो बेटा, इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होंगी, तो अगेन स्मट फंगस है, तो अगेन रेनी डे या फिर आपकी मॉइस्ट कंडीशन बेस्ट रहेंगी इसके लिए. जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना अच्छे से सर्वाइव करेगा. दूसरा बेटा, मैनेजमेंट की बात कर लें तो प्लांट डेबरीज के ऊपर, ठीक है, इन्फेक्टेड प्लांट डेबरीज के ऊपर, इन्फेक्ट जो वीट्स हैं आपके ऑल्टरनेट होस्ट हैं उनके ऊपर सर्वाइव करता है. अगर आपने उसको वाइल्ड लाइस या फिर कुछ भी ऑल्टरनेट होस्ट अगर प्रोवाइड कर लिया तो वो आराम से वहाँ पर सर्वाइव कर लेगा, ठीक है बेटा. ये इस तरीके से ये इन्फेक्शन कॉज कर लेता है, ठीक है. खैरा डिजीज़ बेटा जिंक की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है. हाँ, वेरी गुड इवनिंग रुद्रा यदुवंशी बेटा. अब इसके अलावा बेटा ह्यूमिडिटी लेवल आपको कम करना है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी यानी कि मॉइस्चर जितना कम होगा उतना ही इन्फेक्शन का रेट जो है वो कम होगा, क्योंकि ये फंगस जो है ज़्यादातर इन्फेक्शन कॉज करता है बेटा आपके, ज़्यादातर इन्फेक्शन कॉज करेगा आपके ह्यूमिड कंडीशन में, ठीक है, ह्यूमिड कंडीशन में. इसके अलावा बेटा फ्लड जो होती है, परमानेंट फ्लडी कंडीशन, ये भी इसके लिए बेसिकली बेटर नहीं है. इसके अलावा बच्चों हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं अच्छी क्रॉप्स लगा सकते हैं. और दूसरा, यहाँ पर हम नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करें अगर, क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं बेटा तो उसकी वजह से क्या होता है अल्टीमेटली कि आपका जो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी तो पैथोजन के लिए भी बढ़ेगी. सॉइल से पहले उसको पैथोजन ले लेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, हाँ डेफिनेटली जीरो टिलेज भी करते हैं, शाबाश बेटा, ठीक है. और अल्टीमेटली क्या होगा, पैथोजन की ग्रोथ ज़्यादा होगी, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा. तो बेटा इस तरीके की कंडीशन जनरली हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों. तो बेटा ये तो हम लोगों ने पढ़ा राइस की डिजीजेस के बारे में. अब एट द एंड ये आपका बैच है ICER का. जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं गाइस डिटेल में, आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है. इस बैच का जो एक्चुअल प्राइस है वो है Y447 और Y447A. जैसे ही आप इसको बेटा Y447A कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो 80% का डिस्काउंट आ चुका है बेटा, ठीक है, 80% का डिस्काउंट आ चुका है. तो फटाफट से आप लोग इनरोल कीजिए बैचेस में, और 80% डिस्काउंट के साथ आप बैच मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ बैच में इनरोल कर सकते हो. देखो बेटा इनरोल कैसे करना है, देखो यार अभी तक आपका 75% ऑफ चल रहा था, ठीक है. और अभी आपका पीजी का फॉर्म कब तक आएगा बेटा, यूपी कैटेट का तो कब का आ चुका है आई थिंक, ठीक है, उसका तो एग्ज़ाम डेट है, अब मई में एग्ज़ाम है उसका, ठीक है. तो आपको क्या करना है बेटा, साइट पे जाना है, आप ऑल कोर्सेज पे जाओ, Adda247 पे लॉगिन करोगे, जैसे ही लॉगिन करोगे ये ओपन हो जाएगा. उसके बाद आपको कहाँ पर जाना है डायरेक्टली, उसके बाद आपको डायरेक्टली ऑल कोर्सेज पर जाना है, एग्रीकल्चर चूज़ करोगे, सारे एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम आ गए. ये रहा आपका ICER JRF का पेपर, ये रहा ICER AIEE PG कोर्सेज, इसमें आपको बाइनाओ पर जाना है बेटा. जैसे ही बाइनाओ पर जाओगे यहाँ पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है
Y447 जैसे इसे अप्लाई करोगे बेटा 3-2-1-9 में ये बैच अवेलेबल हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर बहुत सारे एग्रीकल्चर एग्जाम को टारगेट कर रहे हो बेटा, तो ये रहा एग्रीकल्चर का महापैक जो है डबल वैलिडिटी पर। तो बेटा डबल वैलिडिटी और 80% डिस्काउंट, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो बहुत सारे एग्जाम का अगर आप बेटा बहुत सारे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, 6+6 12+12, तो 6+6 के लिए अगर आप इनरोल करोगे तो ये आपका कम प्राइस का हो जाएगा और डबल वैलिडिटी है तो 12 महीने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो Y447 ए कोड यूज़ करना है बेटा। ठीक है, ए कोड जैसे ही लगाओगे 80% डिस्काउंट मिल जाएगा, और 80% डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी के साथ 5599 रुपीज़ में, यानी कि 5600 में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। अब इससे बढ़िया और क्या है ना, तो पूरा बैच आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ICRPG का फॉर्म कब आएगा मैम? राजेश बेटा, जब भी ICRPG का फॉर्म आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सेशन के थ्रू, डोंट वरी, आप उसकी टेंशन नहीं लो। ठीक है, मीनाक्षी मैम या मैं कोई भी, या संदीप सर कोई भी एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर अड्डा 247 से कोई भी सेशन के थ्रू आपको बता देगा कि फॉर्म आ गया है, डोंट वरी। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आज का सेशन था। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छा लगा होगा। दूसरी बात कि जो भी बच्चे इनरोल करना चाहते हैं बेटा, ये बेस्ट टाइम है, इस टाइम पे आप इनरोल कर सकते हो, किसी भी बैच में आप इनरोल कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे अभी 80% ऑफ चल रहा है, साथ में डबल वैलिडिटी भी है। तो एग्रीकल्चर महापैक तो यार सबसे बेस्ट है, तो एग्रीकल्चर महापैक में अगर आप इनरोल करते हो तो बहुत सारे एग्रीकल्चर एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो। दूसरी बात यार, अपने लिए यूज़ करने के बाद अपने फ्रेंड्स को भी आप रिकमेंड कर सकते हो, है ना। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं बेटा, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।